विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी में आक्रोश देखा जा रहा है। पार्टी के बड़े नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अब बड़े बदलाव की मांग की है। देखिए एक रिपोर्ट। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका लेकर आए हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पांच में से सिर्फ एक राज्य में ही अपनी लाज बचा पाई, जिसके बाद अब कांग्रेस खेमे में हाहाकार मचा हुआ है। भले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हार स्वीकार करके इसे जनता का फैसला मान लिया हो, पर अब पार्टी में विरोध के सुर उठने लगे हैं। पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और शशि थरूर ने आत्मचिंतन बंद करके एक्शन की मांग की है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चुनावों में निराशाजनक परिणाम को लेकर संगठन में बड़े सुधार की वकालत करते हुए ट्वीट किया, हम लोगों ने बहुत आत्मनिरीक्षण कर लिया है, क्या अब हमें किसी बड़ी सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहिए। वहीं दिग्विजय सिंह के अलावा शशि थरूर ने भी चिंता जताते हुए कहा है, आत्मनिरीक्षण बीते जमाने की बात हो गई है, अब एक्शन का वक्त है। 2014 में मिली हार के दो साल बाद तक हम लोग आत्मनिरीक्षण और चिंतन ही कर रहे हैं। अब ऐसे बदलाव करने का वक्त आ गया है जो लोगों को साफ तौर पर दिखाई दे। वैसे दिग्विजय सिंह और थरूर के बयान ऐसे वक्त में आए हैं जब कांग्रेस सचिवालय में फेरबदल की बात चल रही है और इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि राहुल गांधी को पार्टी प्रमुख बनाया जा सकता है। वाकई कांग्रेस के लिए अब बड़ा बदलाव करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि 2017 में भी यूपी, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस दोबारा इस तरह के रिजल्ट नहीं पाना चाहेगी। देखते रहिए डीबी लाइव।